अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों ने कदरे याज जो मैंने सबक पढ़ाया था उसको रिवाइज किया होगा। मैं उसमें से आप सबसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछती हूँ, सबको आपको सबको जवाब देने होंगे। और अनम्यूट कर लीजिएगा अपना अपना माइक, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आपने अपने माइक को अनम्यूट करना है फिर, और मुझे उसका जवाब दीजिएगा। ओके, मुसन्निफ को किस किस्म का बंगला रहने को मिला था? उस्मान बताइए बेटे इसका जवाब। उस्मान जी, यस जी बताइए, मुसन्निफ को किस किस्म का बंगला रहने को मिला था? मुसन्निफ को एक आला किस्म का बंगला रहने को मिला था, और कई बुजुर्गों के मुताबिक वो विल्सन रोड का लाशरीक बंगला था। जी शाबाश। किस रोड पर ये बंगला वाकया था सुहेब? जवेलसन रोड पर। शाबाश। बूढ़े मुलाजिम का क्या नाम था जो कि इस सबक में थे, इनके कर्नल साहब के और सलीमिया के मुलाजिम का क्या नाम था? भूल गया, याद नहीं आ रहा। बताइए फातिमा, आपको याद है? अली बख्श था, अली बख्श। ठीक है, अली बख्श जो था वो मुलाजिम का नाम था। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं एमसीक्यूज में, तो सो इनको आप ध्यान में रखा करें कि कैसे इनको हमने याद करना है। सलीम मियां के दोस्त का क्या नाम था? जी आप बताएं उस्मान, कौन से दोस्त आए इससे उनसे मिलने, याद कीजिए। अमजद, अमजद साहब आए थे उनके दोस्त। मुसन्निफ ने ये वाकया कितने साल पहले का सुनाया, कितने साल पहले की बात थी जिसको ये अपने बच्चों को और मुलाजिम को सुनाते हैं? तकरीबन कितने साल पहले पुरानी बात थी? एनीवन नोज? फातिमा आपको पता है? जब वो प्राइमरी स्कूल में जाते थे। नहीं, बट उसमें साल साल जो है ना वो बताए हुए हैं। उन्होंने पूछा कितने साल पुरानी बात, 40 साल पुरानी, ये 40 साल पुरानी बात थी। सेकंड हेड मास्टर साहब कहाँ के रहने वाले थे, जो जेंटलमैन कहलाते थे, शहर के रहने वाले थे? लाहौर के, लाहौर के कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया था, लाहौर के ही थे। सुथर किसे कहते हैं? सुथर, मैंने उसका कल हम चैप्टर पढ़ा था तो उसमें लिखा था ना, सुथर जिधर हल्की हल्की घास होती है, घास फूस का ना बिछाया हुआ पर जमीन पर बैठ के बातें करते हैं, वहां लोग बैठकर बातें करते हैं। मास्टर जी को किस चीज पर बिठाया गया था? चिरमंजी चारपाई। अब वो फर्श पर बैठ नहीं सकते थे फ्रेंड्स की वजह से, चारपाई पर बिठाया गया था। गांव में चाय की बजाय किस चीज का रिवाज होता था पहले उस दौर में, 40 साल पहले? जी लस्सी का। पढ़ लिख कर जो था छोटा चौधरी क्या बना था, क्या बना था? चा कर्नल, कर्नल जी, फौज में भर्ती हुआ था, तो फिर जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते करते कर्नल के ओहदे तक जा पहुंचा। किसकी लिखी हुई है ये कहानी कदरे अयाज? कर्नल मोहम्मद खान। शाबाश, कर्नल मोहम्मद खान की। अब इनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ जो होती है ये भी एमसीक्यूज में आती है, इनको भी आप याद किया करें। किसी को पता है कौन सा उनका सन पैदाइश है, कब पैदा हुए थे कर्नल मोहम्मद खान? जो 1910, 1920 में, 1920 में पैदा हुए थे। सलीम मियां ने कौन सा इम्तिहान दिया था, उस किस इम्तिहान से फारिग हुए थे?
इतना आसान है, कौन सा इम्तिहान था जिससे फारिग हुए थे? फिर क्या बैडमिंटन खेलते थे? मैट्रिक इम्तिहान कौन सा देकर फारिग हुए? मैट्रिक के, शाबाश। चौधरी छोटा जब पहले दिन स्कूल में गया तो उसने कौन सा कैसा जूता पहन रखा था? पेशावरी जूता नहीं, पेशावरी जूता, पोठोहारी, पोठोहारी जूती, वहां पोठोहारी लिखा हुआ है। मास्टर साहब जो थे किस चीज के शौकीन थे? सेकंड मास्टर साहब शिकार के शौकीन थे, शिकार खेलते खेलते ही उसके चौधरी के गांव गए थे ना, तो फिर रात उनको वहां गुजारना पड़ गई थी। और किस मौसम में, कौन सा महीना था जिसमें ये शिकार करते करते वहां पहुंच गए थे? सर्दियों का, सर्दियों का मौसम, ठीक है। जब छोटा चौधरी था उसने कॉलेज में दाखिले के लिए रकम उसने कहाँ से ली थी? क्या बताया मुसन्निफ ने कि कैसे? जमीन बेचकर, जमीन बेचकर, जमीन बेचकर। मास्टर जी को जो तकिया दिया गया था उस पर किसकी तस्वीर बनी हुई थी? बारा सिंगा ठीक है। नौकर को मास्टर जी के लिए क्या चीज मंगवाने के लिए भेजा गया था या दौड़ाया गया था? चाय, चाय, चने भुने हुए, वो भुने हुए सिट्टे, सिट्टे जी, भुने भुट्टे, भुट्टे जो थे ना वो मंगवाने के लिए भेजा गया था। चाय की तलाफी रात को उनकी किस चीज से की गई थी मुसन्निफ की, उनकी चौधरी मास्टर जी की, यानी कि चाय जब अच्छी ना मिली थी तो रात को उनको क्या चीज खिलाई गई थी? अच्छी मुर्ग का सालन, मुर्ग का सालन, मुर्ग का सालन था। अपनी बुक खोली अपनी और इसका ना एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं हम, जो इसके अंदर एमसीक्यूज वाला है वो भी करते हैं। वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखिए। गर्ल्स आप भी बेटे काम किताब खोले और उसमें सारा करें बेटा, बच्चे आज गर्ल्स कम है। नेहरुन्निसा, फातिमा जी, वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखिए। देहात है, देहात है जमा, इसका वाहिद होगा देह, दाल ये है। देहात का जो शुरू वाला पोर्शन है ना उसको हे को एंड तक आएगा दे, उसका मतलब होता है वाहिद एक गांव, और जमा है देहात। शिकायत की जमा क्या होगी? ये शिकायत वाहिद है, शिकायत, इसको लिखिए, लिखिए, शाबाश। इरशादात का वाहिद क्या होगा? इरशाद, शाबाश। किस्सा है और इसकी, ये किस्सा वाहिद है, इसकी जमा क्या होगी? किस्सास, कसस, कसस। काफ, स्वाद और स्वाद दोनों मिलाकर लिखेंगे तो कसस बन जाएगा। हादसात जो है जमा है और इसका वाहिद क्या होगा? हादसात जमा है, शाबाश, हादसा होगा, हादसा, सिर्फ हादसा। अगला वर्ड है रिवायत, इसकी जमा क्या होगी? ये वाहिद है, शाबाश, ठीक है। इमारत वाहिद है, इसकी जमा? इमारात, गुड। इम्तियाज जो है ये वाहिद लफ्ज है और इसकी जमा क्या होगी? मुमताज, मुमताज नहीं, मुमताज नहीं, इम्तियाज की जमा इम्तियाजात होगी, मुमताज की जमा नहीं होगी उसकी। मुशाहिदात जो है ये जमा है और इसका वाहिद क्या होगा? मुशाहिदा, शाबाश। सवाल नंबर 4 है, सबक कदरे अयाज के मतन को पेश नजर रखते हुए क्वेश्चंस के आंसर्स, ये सही दुरुस्त जवाब पर निशान लगाइए। करनैलों को रिहाइश के लिए कौन से बंगले मिलते हैं? सी क्लास, सी क्लास, सी क्लास, ठीक है। इसको इसको लगाएं, इस ऑप्शन को मार्क करें। अल गर्ज हमारे बंगले का मिजाज हर जाविये से था, कैसा था मिजाज? अमीराना, अमीराना था। तमाम देहातियों ने मास्टर जी से कौन से बरखुरदारों की खैरियत दरियाफ्त की? कौन से बरखुरदारों की
खैरियत दरियाफ्त की थी? पता नहीं। नामौलूद होता है जो भी पैदा हुआ हो, छोटा सा बेबी, लेकिन नामौलूद होता है जो अभी ना हुए ही नहीं है, अभी बच्चे उनके बच्चे नहीं थे अभी, इसलिए नामौलूद बरखुरदारों की खैरियत दरियाफ्त की थी उन्होंने। मास्टर जी के बैठने के लिए, या आगे भी उसमें मैंने क्वेश्चन में पूछा था, क्या चीज मंगवाई गई? चारपाई। चारपाई। मास्टर जी ने किस चीज की फरमाइश की थी? चाय की। कॉर्नफ्लेक्स। नहीं नहीं, कॉर्नफ्लेक्स की नहीं, वो तो आपको मैंने वैसे ही बताया था ना कि आप लोग वो सलीम कहते हैं ना कि उनको कॉर्नफ्लेक्स गाँव में तो मिलते नहीं होंगे, उनको नाश्ता कैसा कराया होगा, तो वो चाय की फरमाइश की थी मास्टर जी ने। दुरुस्त और गलत जुमलों की निशानदेही करें। तरफेन के बयानों से वाज़ह था कि तनाजा बहुत खफीफ है, इज इट राइट और रॉन्ग? कैसा है ये बताइए। दुरुस्त है ये, दोनों के जो उनकी बहस सुनी थी जब मुसन्निफ ने, तो तरफेन का मतलब होता है दोनों तरफ के लोगों के वाकयात सुनने के बाद मुसन्निफ को मालूम हुआ कि तनाजा जो है, ये लड़ाई जो छोटी सी है, ये बहुत मामूली सी है, खफीफ है, मामूली है, तो ये दुरुस्त है। सारे स्कूल में एक हेड मास्टर साहब थे जो सूट पहनते थे, एक ही से कि गलत है ये? दो हेड मास्टर, सेकंड हेड मास्टर साहब थे जो पहनते थे। सलीम और अली बख्श दोनों की आंखों में एक देहाती के लिए मजाक की चमक थी, मजाक की चमक थी। लास्ट लाइन में देखें लिखा है देहाती के लिए किस चीज की चमक थी, चैप्टर के एंड में मोहब्बत, मोहब्बत की चमक थी। शाबाश। नेक्स्ट है, देहाती लोग इतने मुहज्जब नहीं होते कि ड्राइंग रूम में कुत्ते ले आए। दुरुस्त। दुरुस्त है। सलीम मियां अभी अभी एफए के इम्तिहान से फारिग हुए थे। गलत। मैट्रिक। एफए के इम्तिहान से फारिग हुए थे। मैट्रिक। ये गलत है जी। इसके अगला क्वेश्चन है, महमूद और अयाज की तलमी के बारे में मालूमात हासिल करें। ये अयाज जो है, ये महमूद गजनवी एक बड़ा पुराना बादशाह गुजरा है बरे सगीर पाको हिंद में, महमूद से मुराद उसको कहा जाता है सुल्तान महमूद गजनवी, और उसने बर्रे सगीर पर तकरीबन 17 हमले किए थे। अयाज उसका एक बड़ा काबिल एतमाद वफादार मुलाजिम था जो अपने आका पर जान निसार करता था। महमूद गजनवी को भी अयाज से बेहद मोहब्बत थी। तो अयाज जो है वो देहाती अपने उनको बताने के लिए उन्होंने किया हुआ, उसकी मिसाल देकर के गांव के साथ मोहब्बत का इजहार जो है वो किया हुआ, तो इसलिए इसकी तलमी यही है कि गांव के साथ मोहब्बत थी, तो अयाज को महमूद गजनवी को अयाज के साथ बहुत मोहब्बत थी, और अयाज को भी महमूद गजनवी से बहुत मोहब्बत थी। अलामा इकबाल ने एक मशहूर शेर इनके बारे में लिखा हुआ, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजक्कर के मुअन्नस, मुजक्कर और मुअन्नस अलग अलग करें। मुजक्कर क्या है जी? तूल। तूल क्या चीज है? मुजक्कर फूल तोड़ा जी। तूल मुजक्कर है। शान। फूल यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ। तूल होता है जो इसका लेंथ विड्थ होती है उसको कहते हैं तूल, लंबाई चौड़ाई, तो इसलिए इसका तूल कहते हैं, इसकी तूल नहीं कहेंगे, इसका तूल कहेंगे, किसी भी चीज का, कमरे का तूल या किसी कपड़े का वो जो टेंट है उसका तूल, तो इसका तूल का मुजक्कर वर्ड में यूज होता है, मुजक्कर है। शान। शान कैसे बोलेंगे आप? मोनस। मोनस। हाँ जी, शान मोनस है। शान मोनस है। नेक्स्ट है चमन। चमन क्या होगा? मुजक्कर उजड़ा चमन।
हाँ जी तो मुजक्कर होगा। तवाज़ो मास्टर साहब की तवाज़ो की गई थी तो क्या बनता है ये मुअन्नस। नेक्स्ट है आपका इश्तियाक मुजक्कर इश्तियाक ना था जी शाबाश इश्तियाक मुजक्कर है गुड। इसके बाद है आपके इक्तबासात की तशरीह आपने होमवर्क कर लिया हुआ इसका ये काम कर लिया हुआ इसका उस्मान इसका जो चल रहा है ना इसका काम आपने इसका सारा काम कर लिया जैसे काम की डेट 29 जुलाई लिखी हुई है उधर 29 जुलाई आप डेट को छोड़ दें वो आप छोड़ दें डेट को जब इतना ज्यादा काम कर एक साथ सबमिट नहीं करवा सकते कल क्यों नहीं करवा सकते क्या बात है मैं तो बहुत देर से दे रही हूं जब हम लोगों को जब मिला ही थे मंडे को है मंडे को मिला मंडे या संडे को मिला सर ने तो कहा है कि जी सबमिशन है आपकी कल 22nd से आपकी सबमिशन डेट है हम लोगों ने आज ही करवाना है हम लोगों ने आज ही सबमिट करवाना तो मैंने चाहे गजल नंबर 3 कर ली है पूरी बस इसका कदरे यास का सबका काम मुकम्मल है गर्ल्स आपका भी और आपका भी कदरे यास का उस्मान मुकम्मल है काम उस्मान कदरे यास का भी करना है बेटे कर लो ना इसका है ना काम आपके पास काम है ना ऑनलाइन उसमें पड़ा है ग्रुप में है तो आप इसको करें इसको मुकम्मल करें बच्चे आपको सबमिट करवाना है अपना काम इसकी तशरीह भी करनी है आपके जो मैंने वहां दी हुई है उसके अंदर कॉलम सवाल नंबर 11 है कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाइए तूल को मिलाएंगे आप किससे तूलो अर्ज अर्ज होता है तूल होती है चौड़ाई और अर्ज होती है तूल होता है लंबाई और अर्ज होती है चौड़ाई ये अल्फाज मुतजाद है दाखिल इसका मुतजाद दूसरा कॉलम बे खारिज 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 अजल अबद अबद ठीक है इसके बाद है जी रंज मुसरत रंज है मुसर्रत ठीक है खफीफ शदीद 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 चमन वीराना वीराना ठीक है अब आपका सिर्फ एक चैप्टर रह गया हौसला ना हारो आगे बढ़ो मंजिल अब के दूर नहीं एक ये चैप्टर रह गया एक इसके साथ वो शोहदाए पुशावर के लिए एक नज़म है वो रहेगी और एक गजल 4 रह गई आपका बस ये काम है जो कि मैंने भेजना है अदरवाइज सारा काम मैंने आपको कर दिया हुआ है और आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद सारा काम आपका कंप्लीट है आप इसको कंप्लीट करें और जल्दी से जल्दी सबमिट करवाएं अपने काम को जी अब इसकी हौसला ना हारो आगे बढ़ो मंजिल अब के दूर नहीं ये सबक जो है ये हुकूमत के पाकिस्तान ने ऐड किया है इस चैप्टर में इसके मुसन्निफ कोई नहीं है तो इसलिए इसका हम ना मुसन्निफ लिखेंगे ना हम इसमें कोई लिखेंगे इस माखज ना कोई सिंफ अदब इसकी कुछ नहीं लिखेंगे सबक का नाम ही सिर्फ बस सबक का नाम लिखेंगे और जो बाकी हेडिंग्स आगे डैश डाल देना नहीं आप डालेंगे ही नहीं बाकी की हेडिंग कोई नहीं डालेंगे इसका आपने लिखना है अब ये आपको पढ़ी होगी अगर आपने कहानी तो पता होगा जो 2016 में पिशावर के स्कूल में दहशतगर्द दाखिल हो गए थे और उन्होंने बहुत से 150 के करीब बच्चों को शहीद कर दिया था साथ टीचर्स को प्रिंसिपल को बहुत से लोगों को शहीद कर दिया था और बहुत जालिमाना तरीके से शहीद किया था गोलियां मारी उनको बंद कर लिया उसके लिए उन्होंने हिम्मत दिलाने के लिए लोगों को कि अपने आप को खौफजदा नहीं करना अपने आप को बहादुर बनाकर अपने जो मामलात हैं उनको सही करके तो आपने इल्म जारी रखना है तालीम जारी रखनी है जिसके लिए जो कि बेसिक इंसान की जरूरत है और उसके लिए उन्होंने
हिफाजती इकदामात किस तरह के किए जा सकते हैं उनके बारे में इस सबक में निशानदेही की है, इसको हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलता जाएगा। चले उस्मान पढ़े इसको। हौसला ना हारो, आगे बढ़ो, मंजिल अब के दूर नहीं। हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को बड़ी कुर्बानियां देकर बनाया, हमने अपने वतन पाकिस्तान को बड़ी कुर्बानियां देकर बनाया है। इस सरजमीन पर रहने वाले सब लोग एक कौम है और इंशाल्लाह एक रहेंगे। कोई भी इस कौम के हौसले पर पस्त नहीं कर सकता, पस्त नहीं कर सकता और ना ही हम किसी को पस्त का मतलब होता है कमजोर नहीं कर सकता। पस्त का मुतजाद क्या होता है? बुलंद। बुलंद, बुलंद और पस्त, ठीक है, शाबाश। नहीं कर सकता और ना ही हम किसी को ऐसा करने की इजाजत देंगे। पाकिस्तान के गोशे गोशे में इसकी हाजिर कुर्बानी होने वालों की लातादाद कहानियां बिखरी पड़ी है। कुर्बान होने वालों की लातादाद कहानियां बिखरी पड़ी है। आइए आज हम आपको पाकिस्तान के एक कब्जे में रहने वाली एक आप टाइम पे आया करें, आपने सारा चैप्टर पिछला मिस कर दिया है। एक सेकेंड बेटा, जरा मैं मेहरू निशा से पूछ लू। मेहरू निशा, आपने सारा काम किया हुआ है कदरे अयास का? जो उसने लीव कर दिया, उन्होंने लीव कर दिया, छोड़ दिया। जी यस, चले पड़े आप फिर। पाकिस्तान के कब्जे में रहने वाली एक बहादुर माँ का वाकया सुनाते हैं। इनसे मिलिए, ये है हमारी बी जान। पूरे कब्जे कस्बे में एक जाना पहचाना नाम बी जान इंतहाई बहादुर और दिलेरी से जुहेब आप पढ़े हैं। चौके बी जान इंतहाई बहादुर और दिलेरी का पेकर हैं। हाँ भाई, बहादुर और दिलेर क्यों ना होती, वो एक शहीद की बेटी, शहीद की बीवी और शहीद की माँ हैं, जिनके प्यारों ने अपने वतन अजीज पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए अपनी जाने आफरीन के सपोर्ट कर दी। बी जान हमेशा पुरअज़म रहती, सपोर्ट कर दी। बी जान हमेशा पुरअज़म रहती, वो बड़ी जुर्रत और हौसला मंदी से हर किसी के मसले का हल ढूंढ लेती। इनकी इस खूबी की वजह से कस्बे का हर छोटा बड़ा उनकी इज्जत करता और कदर की निगाह से देखता। किसी के घर में कोई झगड़ा हो या किसी बच्चे की शादी ब्याह का मामला, वो हर काम निपटाने को हमा वक्त तैयार रहती। हर किसी की जरूरियात का ख्याल रखने की कोशिश करती और खास तौर पर यह ध्यान रखती कि मोहल्ले में कोई भूखा तो नहीं सोया। यही नहीं, बल्कि वह हर एक के दुख सुख में बढ़ चढ़ कर शरीक होती। एक दिन वो अपने कमरे में आरामदेह कुर्सी पर बैठी किसी काम में मसरूफ थी कि अचानक टेलीविजन पर आने वाली एक खबर से परेशान हो गई। ये एक ऐसा वाकया था कि किसी ने रुए जमीन पर ऐसा दर्दनाक वाकया ना देखा होगा। इस खबर में साने पेशावर देखा जा रहा था जिसमें दहशतगर्दों दिखाया जा रहा था जिसमें दहशतगर्दों ने 150 के लगभग मासूम तालिबे बच्चों, असातिज़ा और गार्ड्स को शहीद कर दिया था। ये खबर सुनकर पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के लोग तड़प उठे और कोई आंख ऐसी ना थी जो अश्कबार ना हुई हो। इस खबर में शहीद होने वाले बच्चों की तस्वीरें देखकर भी जान के तमाम दुख पर फिर से ताजा हो गए और शहीद होने यही बताया था कि ये सबक जो है हौसला बढ़ाने के लिए कि कोई भी तकलीफ अगर कौम पर आ जाए, लोगों पर आ जाए, तो उसको
दिल पर नहीं लेना चाहिए उस चीज को, हिम्मत से उसका मुकाबला करना चाहिए। और ये पाकिस्तान भी जो हासिल किया गया था, ये भी बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया था। इसको हासिल करने में बहुत से लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, बच्चे कुर्बान हुए, बूढ़े लोग और सब वहां से हिजरत करके जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान आते हुए उनको बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया, लेकिन मुसलमानों ने हिम्मत ना हारी और अपना वतन हासिल कर लिया। अब इस सरजमीन पर जितने भी लोग रहने वाले हैं वो एक कौम की तरह है, और कौम जो होती है वो मिलजुल कर एक रहती है, और अगर मिलजुल कर हर मुश्किल का मुकाबला करे तो कोई भी उस कौम के हौसले को कमजोर नहीं कर सकता, और ना ही हम एज अ कौम किसी को ऐसा करने की इजाजत देंगे। पाकिस्तान के गोशे गोशे में, पाकिस्तान के हर तरफ हर कोने में आज भी हम देखते हैं तो दुश्मन जो है हमारी बॉर्डर्स लाइंस पर, बॉर्डर्स पर जो है ना हर वक्त हमारे अफवाज को दे रहे हैं, जो लोग वहां अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं उनको ऊपर निशाना करते हैं, लगाते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, और अक्सर कोई ना कोई शहादत का रुतबा फौजी हमारे जवान जो पहरा वहां दे रहे होते हैं, और वो सिर्फ हमारे वतन की हिफाजत के लिए हमारे जवान जो हैं वहां हिफाजत कर रहे होते हैं पाकिस्तान की। लेकिन और इससे उनके शहीद होने का मतलब यही नजर आता है कि वो बिल्कुल चौकस और तैयार रहते हैं कि दुश्मन का जरा सा भी मुकाबला, किसी भी वक्त वो हमला करके अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो ये आगे से जवाबी कार्रवाई करते हैं और फिर उनको दुश्मन को भगा देते हैं। तो ये आज भी इसी तरह पाकिस्तान के हर कोने में पाकिस्तान के ऊपर जान कुर्बान करने वाले लोगों की लातादाद बेशुमार कहानियां जो हैं बिखरी पड़ी हैं। अब वो बता रहे हैं कि आइए आज हम आपको पाकिस्तान के एक कस्बे में, कस्बा होता है छोटा सा गांव, कोई इतना बड़ा शहर ना हो, छोटा हो, उसको कस्बा कहा जाता है, रहने वाली एक बहादुर माँ का वाकया सुनाते हैं। इनसे मिलिए, ये है बीजान, और वो अपने कस्बे में किस नाम से वो जानी जाती थी, बीजान के नाम से जानी जाती थी। और बीजान जो थी वो इंतहाई बहादुर और दलेरी का पैकर, पैकर होता है नमूना, थी एक सिंबल थी, नमूना थी लोगों के लिए। बहादुर और दलेर क्यों ना होती, वो क्यों बहादुर और दलेर थी कि वो एक शहीद की बेटी थी, एक शहीद की बीवी थी और एक शहीद की माँ थी, यानी कि उनके वालिद साहब भी जो थे वो भी फौज में थे, उनके जो हस्बैंड थे शौहर थे वो भी फौज में थे, और उनका बेटा भी वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान कर बैठा, तो वो एक शहीद की वालदा भी थी, इसीलिए वो बहुत बाहिम्मत थी और बड़े तीनों शहीद थे। जी बेटे तीनों शहीद थे, वो बता नहीं रहे कि एक शहीद की बेटी थी, एक शहीद की बीवी थी और एक शहीद की माँ थी, बेटा भी उनका इसी तरह शहीद हुआ, शौहर भी ऐसे ही हुआ और बाप भी उनका ऐसे ही हुआ। तो उनको इनकी शहादत से और हौसला मिला और वो हिम्मत में रही और उन्होंने उन चीजों का मुकाबला बड़ी दलेरी से किया। अब उनके प्यारों ने अपने वतन पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए अपनी जाने जो थी अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दी। जाने आफरीन होते हैं जो जान लेने के लिए अल्लाह के पास जाते हैं, जाने आफरीन फरिश्तों के कबूल सुपुर्द कर दी। अब बी जान जो थी उनके बारे में बताते हैं, हमेशा पुर अजम रहती, यानी कि हमेशा उनका इरादा मजबूत रहता और बड़ी जुर्रत और हौसला मंदी से कोई ना कोई भी मसला कस्बे में होता तो उसका हल ढूंढ लेती। उनकी इसी खूबी की वजह से कस्बे का हर छोटा बड़ा, हर शख्स जो था वो उनकी बड़ी इज्जत करता और उनको कदर की नजर से देखता था। अब किसी के घर में कोई झगड़ा हो जाता, कोई मसला हो जाता, किसी के शादी ब्याह का मामला हो जाता, कोई और मामला ऐसा होता जिसमें जो कि हल ना हो रहा हो, लोग मुस्लिम साहिल उनके पास लेकर आते, वो उनका काम निपटाने को, काम करने को, उनकी मदद करने को हर वक्त तैयार रहती हूँ। तो ये ना होता कि भी अब रात है या मैं थकी हुई हूँ, वो हर काम, हर एक शख्स के काम के लिए हमा वक्त हर वक्त तैयार रहती हूँ, हर किसी की जरूरियात का ख्याल रखती, कोशिश करती, खास तौर पर ये ध्यान रखती कि कोई जो शख्स है वो मोहल्ले में भूखा तो नहीं सोया। आज हमारे मुआशरे में ऐसे हालात है कि हमें एक दूसरे की मोहल्ले में खबर ही नहीं होती कि किसी के घर में क्या है क्या नहीं, लेकिन
पुराने दौर में या गांव में या कस्बों में जो था वो एक दूसरे का पता रखा जाता था कि किसी को मुश्किल तो नहीं, कोई मसला तो नहीं। तो गांव में या कस्बों में ऐसे वाकयात होते रहते हैं कि वो एक दूसरे की खबर रखते हैं और एक दूसरे के हालात से वाकिफ होते हैं। यही नहीं के बल्कि वो हर एक के दुख सुख में बढ़ चढ़ कर शरीक होती। अब वो एक दिन अपने आराम कर कमरे में आराम कुर्सी पर बैठी हुई किसी काम में मसरूफ थी कि अचानक, ज़ाहिर है जब टीवी पर कोई ऐसे धमाके की खबर हो, कोई ऐसे एक्सीडेंट की खबर हो तो टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर आ जाती है, और वो बैठी हुई थी तो अचानक एक खबर ने उनका दिल दहला दिया और वो परेशान हो गई उस खबर को देखकर। ये एक ऐसा वाकया था कि किसी ने आज तक रूए जमीन पर, जमीन के टुकड़े पर ऐसा दर्दनाक वाकया कभी ना देखा होगा। और वाकई दर्दनाक था कि इतने मासूम बच्चों के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। तो अपने इल्म हासिल करने के लिए गए थे, लेकिन दहशतगर्दों का मकसद ही ये है, ये रूरल एरियाज में, गाँव के इलाकों में, कि किसी तरह भी इस चीज को, बच्चों को जो है वो इल्म से दूर रखा जाए और इल्म की जो दौलत है वो ना ये लोग हासिल करें। इनको इल्म के जो इनके खजाने हैं, इल्म के स्कूल हैं, तालीम हासिल करने वाले जो हैं इनके स्कूल वगैरह, वो खत्म कर दिए जाएं ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो इल्म हासिल ना कर सकें। अब ये उसी में दहशत गर्दों ने क्या किया, 150 के लगभग मासूम तालिब इल्मों, बच्चों, उस्तादा और गार्ड्स को, गार्ड्स भी थे जैसे हमारे स्कूल में भी होते हैं गार्ड्स हैं, उसके अलावा पीएन होते हैं, चौकीदार होते हैं, सारे वर्कर्स जितने भी थे उन सबको उन्होंने शहीद कर दिया जितने भी इनके पास थे। ये खबर सुनकर पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के लोग तड़प उठे, यानी कि ये खबर जब सबके वो खबरों में आई, जा रहे जब एक टीवी चैनल पर खबर आती है तो वो दुनिया के तमाम चैनल्स पर फौरी तौर पर वो खबर नशर हो जाती है, और ये खबर पूरी दुनिया में नशर हो गई और सारे दुनिया के लोग जो थे तड़प उठे। और ये खबर सुनकर कोई आंख ऐसी नहीं थी जो अश्क बार ना हुई हो, यानी कि जो रोई ना हो, अश्क बार का मतलब था आंसुओं से ना भरी हो। इस खबर में शहीद होने वाले बच्चों की तस्वीरें देखकर बी जान के दुख फिर से ताजा हो गए। उनको क्या, उनके क्या दुख थे, वही कि वो एक शहीद, उनको जब अपने बाप शहीद हुए होंगे उस वक्त की याद आ गई होगी, जब उनका शौहर शहीद हुआ होगा उस वक्त उनकी याद आ गई, फिर जब उनका बच्चा शहीद हुआ तो वो सारे वाकयात उनकी नजरों के सामने एक फिल्म की तरह घूमने लगे, किस तरह उन्होंने अपने प्यारों को भी इस तरह खोया था। उन्हें इन शहीद होने वाले बच्चों में अपना बच्चा अहमद ही नजर आ रहा था, अहमद उनके बच्चे का नाम था, उनको इन शहीद होने वाले लोगों में उसी की याद आ रही थी, नजर आ रहा था। चले आप पढ़े उस्मान आगे। उन्हें आज भी वो दिन याद था, उस्मान आप पढ़ेंगे कि पढ़ेंगे जो एको कहूं, मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़े फिर बेटा चकाहे पढ़ना। वो दरअसल ना मेरी बहन आ गई थी तो मैं उसे पीछे कर रहा था तो मैं भूल गया था। सेकंड लास्ट लाइन है, उन्हें आज भी वो दिन याद था। सेकंड लास्ट लाइन, हाँ, उन्हें आज भी ये वो दिन याद था कि कैसे उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को दिन रात की मुश्किलें, सख्तियां, मेहनत कर करके पाला था, झेल कर पाला था, महज इस ख्वाब को आंखों में लेकर लेके एक दिन वो लिए एक दिन वो भी अपने बाप को और नाना अब्बू की तरह फौज में जाएगा और मुल्क अजीज की खिदमत करेगा। आखिर वो दिन आ ही गया जब उस उनका बेटा पहले मैट्रिक होता है, मैट्रिक के बाद जो दो साल होते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, उस इम्तिहान को कहते हैं FAA के बाद फौज में बतौरे ऑफिसर मुंतखब कर लिया गया। वो अपने बेटे के साथ मिलकर मुख्तलिफ तैयारियों में मसरूफ थी, क्योंकि सुबह उनके बेटे अहमद ने
काकोल अकेडमी अब्दाबाद के लिए रवाना होना था। अचानक अहमद ने कहा, अम्मा जान मेरी कुछ जरूरी चीजें रह गई हैं जो मैं वाली मार्की हूँ। अभी देर ही हुई थी कि पूरा कस्बा एक जोरदार धमाके के से गूंज उठा। फिर क्या था, हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। अहमद ने अपनी हर चीज वहीं छोड़ी और बड़ी बहादुरी से और हौसला मंदी से दूसरों लोगों के साथ मिलकर जल्दी जल्दी जख्मियों को उठाकर एम्बुलेंस में डालने लगा। फारिग होने के बाद अभी अहमद पलटने ही लगा था कि एक औरत के कराहने की आवाज आई। वो इस आवाज की सिमत बढ़ा। जैसे ही वो इस औरत को सहारा देकर एम्बुलेंस में डालने लगा, एक और जोरदार धमाका हुआ और अहमद भी इस की जद में आ गया। बी जान को जब मालूम हुआ कि उनका बेटा बड़ी बहादुरी से इंसानी जानों को बचाते हुए शहीद हुआ है तो उनका सर फखर से बुलंद हो गया, मगर ममता को सुकून ना मिलता था। वो बार बार अपने आप से और मुआशरे से सवाल करती कि ये कैसे दुश्मन है जो काली भेरों के की तरह हमारे अंदर ही छुपे हुए हैं, हम इनको कैसे पहचाने, इनके इनके इरादे क्या हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं अपने बच्चे और इस जैसे नाहक शहीद लोगों का खून किन के हाथों पर तलाश करूं। आज साने पिशावर में स्कूल पर हमले के बाद ना सिर्फ बी जान बल्कि सब पर आया हो गया कि इन दर्द हो गया, जाहिर हो गया। यहाँ का मतलब है जाहिर होना, आया हो गया कि इन दरिंदों का असल मकसद क्या है और वो क्या चाहते हैं। अब वो सिर्फ ये सोच रही थी कि वो इनसे कैसे बदला लें। ऐसे में उनके कानों में मिली तराने की ये आवाज आई, हौसला ना हारो, आगे बढ़ो, मंजिल अब आपकी दूर नहीं। सारी रात इसी सोच